नए कट्टे खोल दे, कुछ लोगों को देंगे रख कर जवाब, देखें इस वीडियो को लड़ेल से। अस्सलाम वालेकुम, आई होप एवरीवन इज हैप्पी हेल्दी विद योर फैमिली। थैंक यू सो मच हुका मी न्यू पर्सन माय होम ब्रदर सिस्टर गर्ल बॉय एंड एवरीवन, थैंक यू सो मच वाटर माय हार्ट माय ब्यूटीफुल जियो फैमिली। चकते फट्टे नपदे किल्ली ठोको ताली ताली, बहुत से लोग बड़ी मिस करते हैं। चले जी ताली ठोक देते हैं। सबसे पहले दो सोकने, एक का नाम है कोसर और एक का नाम है सितारा। सोकन सोकन बन गई हैं सहेलियां। लाई थी जी थाईलैंड से, जहां पर गई थी जी वकेशन के ऊपर, वहां से लाई हैं कपड़े। है कोसर के बेटे, मतलब वो अपने बेटे के लिए भी लेकर आई हैं, छोटू शाह, मुन्नू शाह, पारा शाह बेबी, उसके लिए भी कपड़े लेकर आई हैं और उनको कपड़े पेशो पेश किए हैं। यहाँ पे रुक जाए, ठहर जाए, सबर कर ले, शूज़ भी तो हैं। अब ये शूज़ उस बच्चे को आएंगे कि नहीं आएंगे, हम नहीं कहते, हम नहीं कहते। ये कौन कहती है? सितारा। जिस तारा यासीन बोलती हैं, अब ये देखते हैं कि इस बच्चे को ये शूज़ आते हैं कि नहीं आते हैं। जहाँ पे कोसर के निकल जाते हैं दांत, दांत मीन तीस, तीस मीन डंडियां। आय हाय हाय, स्यापे स्यापे स्यापे। इसके अलावा जी बच्चों के लिए बना दिया गया पैनकेक। ओ आम जी, बीच में दे दी है एक सोटी डंडी या कुछ भी आप उसको बोल दे, देकर बच्ची को किया खुशमा खुश, आया देकर खुश होगी। चॉकलेट लगा के उसके लिए बनाया, जहां पे वो गई थी बड़े महंगे थे, 600 कुछ इस तरह साजिद बता रहा था कि वहां पर मिल रहे थे। खैर जी, यहाँ तक था उनका व्लॉग था। अंडा देखा हमने, चाय देखी हमने, ट्रे देखी हमने, नैपकिन देखा हमने, पराठे देखे नैपकिन के ऊपर पड़े हुए। लगता है अनीता और रमजान प्लेट देना भूल गए थे, क्योंकि रोटी तो प्लेट के ऊपर रखते। अब लोग कहेंगे जी ट्रे भी तो थी, ट्रे पे नैपकिन था, नैपकिन के ऊपर रोटी थी, रोटी के ऊपर कुछ भी नहीं था। लेकिन अगर प्लेट होती तो ज्यादा मजा आ जाता, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब अनीता होगी यह प्रेग्नेंट, तो अनीता तो अब काम शाम इतना नहीं करेगी ना, उसको उल्टियों पे उल्टियां आती, उल्टियों पे उल्टियां आती, चक्कर आते, डिजी हो जाती है, इतना बेचारी काम कैसे करेगी। जहां पे आप लोगों ने रमजान की भी सेहत देखी है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि हो गया है मोटू मोटू, जहरी बात है भाई, खाबे शाबे खाबे शाबे। जहां पे लोग आवाजें निकाल निकाल के कहते हैं भाई इन्हीं के घर का है, इनके रिश्तेदार है, तो भाई फिर हम कौन मामे ते अभी, वो खाबे खाए थे शाबे खाए, तो जो मर्जी चूपना चूपे, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। इसके अलावा जी अगर दोबारा जाते हैं चूचू चाचा थंबनेल पे लगा देता है, एक थंबनेल पे लगाता है कि पाकिस्तान जा रहे, 7,000 व्यू आ जाते हैं। दोबारा आधी रात को देखते हैं तो दोबारा व्लॉग आ जाता है और उस पे सितारा की तस्वीर लगी होती है। अब पता नहीं उस पे कितने व्यू आए हैं। वैसे जी चाचा ग्लामू भी बड़े शरारती बच्चे बन चुके हैं, उनको पता लग गया सितारा का लेंगे पिक्चर लगाएंगे, पिक्चर लगाएंगे तो क्या नाम ना होगा भाई। जारी बहुत अगर दुश्मन लगाए सज्जन लगाए, ये तो फिर उनके स्टेप फादर है ना जी। हाँ जी, अच्छा जी, इनको भी उठाते हैं और एक साइड पे रखते हैं। अब आ जाते हैं भाई कोसरिया पे, जरा डिटेल से बात करते हैं। बहुत से लोगों ने कहा कोसरिया के साथ बेइंसाफी हुई है, उसको सितारा ने घर से निकाल दिया और जी साजिद उसको कंधों पे बैठा के ले गया अपने घर, मतलब मीजा कोसर का घर, जो भी किराए का घर है उसका अपना घर है, जो भी है वक्त आने पे पता लग जाएगा भैया। वहां पर भाई ले गया भाई, क्यों ना लेकर जाता भाई। साजिद था सियाना, कोसर भी थी सियानी, उसने कहा आह उह बच्चे हैं घर में सुन लेंगे, इसलिए उन्होंने यही सोचा कि उठते हैं आराम से जाते और दोबारा से हनिया मुनिया मनाते हैं। लेकिन जी बहुत से लोग कह रहे थे कि हो सकता है दोबारा से वो प्रेग्नेंट हो जाए। ना 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 ना, अभी प्रेग्नेंट नहीं वो होती, अभी तो उसको बड़ी हनिया मुनिया मनानी है। बहुत से लोग ये भी कह रहे थे भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, कोशर को वहीं रहना चाहिए, मेरी प्यारी बहनों कोशर वहाँ पर रहती तो फिर आवाज़ें भी तो आती ना। अब मुस्तफ़ा भी बड़ा हो गया, तैयबा भी बड़ी होगी, आयत भी बड़ी होगी हैं। अब इन लोगों कुछ तो तुम लोग मार्जिन दे दो कि बेचारी कोसरा खुलकर अपना इजहार कर सके, है ना जी, खुलकर रोमांस कर सके। तो बहुत अच्छा किया कि कोसरा और साजिद दोनों चले गए अपने घर में, जाके छिकासो छिकास जो चिल मॉल में सज्जू उठकर आया ना तो के आए हाय हाय हाय। उसके अलावा जी
यहां पे एक बात नोट की जाए कि देखे जो मैं कह रही हूं वो सच है, क्योंकि उस टाइम पे इनकी काम वाली भी इनके साथ नहीं गई थी। यस, समझ आ गई है, समझ आ गई। अब ना समझो तो मैं क्या करूं, मेरी बहनें हैं इतनी मासूम, मासूम नहीं है, मीसनी है, शरारती है। वो कहती है नहीं भाई सब खुल के बता दो, लेकिन नहीं, जो भी हुआ सही हुआ। साजिद और कोसर गए अपने घर में, इतने दिनों के बाद शोहर वापस आया था, वो भी बीवी है, उसका भी हक है कि उसको भी पूरा टाइम मिलना चाहिए। बहुत अच्छा हुआ कि काम वाली को भी साथ वो लेकर नहीं गए, अलबत्ता दूसरे दिन वो ले गए तो डिफरेंट स्टोरी। लेके जी दूसरे दिन भी सितारा पहुंची, कपड़े पे लेकर दिए भी है, सब्जियां काटी, सब कुछ तोड़ा फोड़ा ले लूकर गई। लेकिन इसके अलावा जी अगर हम दूसरी साइड पे जाते तो हीरा, हीरा आजकल अपनी बच्ची को केशु केश कर रही। जी, जब भी आप देखो थंबनेल के ऊपर मुंह छुपाया हुआ होता है और पिक्चर लगाई भी होती, मुंह छुपाया हुआ होता है और पिक्चर लगाई होती, पिक्चर पिक्चर पिक्चर। लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो दिलबर क्यों रो रहे हो, तुमने कहा कि सानिया की वजह से सब अलग अलग जुदा जुदा हो गए, तो जब बाबर कहता था ना कर ना कर ना कर, एक ही मजा ले ले, जा तूने जाना है, एक पतीली में डालना है, दूसरी पतीली में डालना है, तीसरी पतीली में डालना, मजा तो सेम ही आना है। लेकिन नहीं जी, इनको तो चाहिए थे जरा मोटे मोटे ताजे ताजे, इसलिए इन्होंने कहा नहीं मैंने करनी है दूसरी शादी, तो फिर अब मत रो ना, अब मत रो, अब मत पीटो, अब थंबनेल मत लगाओ, व्यू कम हो चुके हैं, तो ऐसा मत करो, व्लॉगिंग करो, जो कुछ है वो दिखाओ। और जहां पे अगर हम बाबर को देखते हैं तो बाबर भी भाई इस्लामाबाद पहुंच कर क्या व्यू खाएगा, क्या सितारा की वीडियो में आएगा, क्यों नहीं आएगा भाई, कैसी मेरी मासूम बहन है, इतनी मासूम सवाल करते कि मेरा तो आंसू निकलने लग जाते, आंसू मगरमच्छ के आंसू निकलने लग जाते, जो लोग रोते हैं धोते हैं तड़पते हैं। फातिमा की बात कर रही हूँ, जी, बड़ी बेचारी मासूम, इतनी मासूम, इतनी मासूम कि उसके घर के सियापे ही नहीं खत्म हो रहे, उसके घर के काम ही नहीं खत्म हो रहे, और चाचा अनवर भी वीडियो डाल के बड़ा अफसोसो अफसोस कर रहा है। वहां पर अगर हम रोइना को देखे, हाथों पे मेहंदी, गालों पे चश्मे और पता नहीं क्या क्या लगा के हस्बैंड को खाबे शाबे रोटियां छोटियां खिला रही है, और फिर बड़ी मासूम बन के बैठ जाती है, रोती है, और उसके ऊपर भी व्यू आ गए, जो पिक्चर आपने देखी उसमें आंखें मल रही है, नोज साफ करी है, उसमें भी अच्छे खासे व्यू आ गए, इनको भी पता लग गया झूठ झूठ का रोएंगे। ऐसे जी झूठ झूठ का रोना किसी और ने इनको सिखाया, जो हर बार झूठ झूठ के मगरमच्छ के आंसू रोती और व्यू खाकर चली जाती। समझने वाले समझ गए, कद्दू की बात करी, कद्दू हाँ, तो भाई ये सब इन लोगों की कांड है। कांड से भी याद आया, आजकल बड़े अच्छे व्यू भी आ रहे, किसको आ रहे, किसको, फातिमा को भाई, वो भी अपना चिल मॉल में लगे हुए शॉपिंग करते आते हैं, खाते हैं पीते हैं, सास ससुर देवर सबके साथ खुशमा खुश रह रही है फातिमा। आता की माँ ने खोजी खजूरे खजूरे, लेकिन जी फातिमा की माँ तो खुद खा गई ना, नहीं, काशिफ ने ली खजूरे, तो कहते हैं डबल खजूरे हैं, रॉन्ग खजूरे हैं, पता नहीं कौन कौन सी खजूरे हैं, एक पोर्शन बना दिया, मतलब एक हिस्सा दिया है फातिमा के लिए, एक हिस्सा दिया है लिश्मा के लिए, दोनों को बना बनू के बेटे का उठ चल और देख कर आ खजूरे उनको। हाय अल्लाह जी, खजूरे ना होगी तो क्या हो गया, बच्चा मासूम उठे और कराची पहुंचे, जहरी बात है भाई, काशिफ को भी वीडियो बनानी है, फातिमा को भी एक नया मिल जाएगा, भाई मेरा भाई आया दूर से खजूरें लेकर कांधों पे रखकर, हाय हाय क्या कांधे या क्या बच्ची की जान ले को, बस कर दो, इतना कुछ तो बता के जाती हूँ, फिर भी तुम लोग खुश नहीं होते हो, नहीं खुश होते हो, खुश होते हो। चले जी, इसके अलावा तेरा सिस्टर पे बात कर लेते हैं, तेरा सिस्टर की वीडियो को लेकर बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं, वीडियो नहीं बनाने आती है, टेढ़ी हो जाती है, मेढ़ी हो जाती है, ये नहीं है भाई, टेढ़ी हो या मेढ़ी हो, बंदी काम कर रही है, व्लॉगिंग डाल रही है, कश्मीर जा रही है, पानी दिखा रही, नदी दिखा रही, खाबे दिखा रही, सब कुछ दिखा रही है, हम तो देखकर हो गए हो हैप्पी हैप्पी, लेकिन जहाँ पे आप लोगों को हैप्पी होना चाहिए वहाँ तो आप लोग होते नहीं हो, और जहाँ नहीं होना चाहिए, फजूल में नहीं होना चाहिए, वहाँ पे हैप्पी होकर तालियों पर तालियां बजाते हो, इसी को कहते हैं फसाद डालने वाले, इसी को कहते हैं फाफा खुटने, फाफा खुटने, एक नंबर के पापा कुटे। चले जी देखते हैं अब उन किस कर रहे बैठता है, अपन डाउन लेफ्ट राइट लेगी जी, हम कहेंगे चिल 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 बेबी, अगर चिल ना हुए तो फिर गरम गरम चिल्ली ले लो, वो लेके जरूर आप लोगों को चिल आराम एंड सुकून मिल जाएगा। आएंगे जी नेक्स्ट अपनी मीठी मीठी रोस्टिंग या रिव्यू के साथ, और कुछ थोड़े बहुत पॉइंट भी छोड़कर जाते हैं, जिनको पकड़ना है पकड़ लो, नहीं पकड़ना तो भागो। टाटा बाय बाय, ऑल अल्लाह हाफिज़।